तुम कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल टीम इंडिया। ने आज ट्रेनिंग सेशन किया इंदौर में, बाय द वे वो पहुंच चुकी हैं। एंड सेकंड टेस्ट सॉरी सेकंड T20I मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के माबेन इंदौर में खेला जाएगा। और विराट कोहली ने खैर ज्वाइन कर लिया है टीम को, आज प्रैक्टिस सेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। एंड है कि इंडिया का खैर जो स्क्वाड है अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड उसके भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। रोहित शर्मा कैप्टन है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, के एल राहुल विकेट कीपर हैं, के एस भारत भी विकेट कीपर के तौर पे, और ध्रुव जुरेल भी, यानी तीन विकेट कीपर के साथ इंडिया जा रही है। खैर ये प्रोबेबल्स हैं बट स्टिल है कि चलो तीन तीन विकेट कीपर। चलो रविचंद्रन अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, यानी ये जो स्क्वाड है इससे जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इससे आप टोटली अंदाजा लगा सकते हो कि भाई स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ही होंगे। आई थिंक कौन थे उनके, आई थिंक मार्क वॉन थे या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है जो भी है कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने यही एक ख्याल जाहिर किया था कि शायद है कि पेस अटैक भी इंडिया का बहुत अच्छा है तो शायद पेसी विकेट्स हो, बट मैंने यही बात की थी भाई पेसी विकेट नहीं होगी। सीना को पकड़ने के लिए इंडिया का एक ही हलवा है, स्पिन का जाल बिछाओ, और वो बिछाते हैं एंड उनके पास अच्छे स्पिन है। खैर वहाँ के स्पिनर्स भी डोमिनेट करते हैं बट वही बात है कि इंडियन बैटर्स स्पिन को अच्छा खेलते हैं और जो उनके स्पिनर्स हैं वो लीथल हो जाते हैं इस तरह के पिच पे। तो भाई अश्विन, अक्षर और जडेजा तीनों हैं, तो अब तो खैर इंग्लैंड को कोई नहीं बचा सकता। मेरी प्रेडिक्शन अभी से ये है कि इंडिया इंग्लैंड को हो सकता है क्लीन स्वीप लें, तो चलो शायद एक आधा मैच इंग्लैंड जीत जाए। एक आधा क्या, आई थिंक दो टेस्ट मैचेस की सीरीज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या दो टेस्ट मैचेस की, पता नहीं ये दो टेस्ट मैच की क्यों रखी जाती है सीरीज, सेंसलेस है ये, क्या मतलब ही क्या हुआ, एक वो जीत गए एक वो जीत गए, चलो सीरीज लेवल कम अज कम तीन मैचेस की तो सीरीज होनी चाहिए ना भाई। चलो खैर अब देखेंगे क्या होता है, हो सकता है दोनों टेस्ट मैच इंडिया जीत जाए, या हो सकता है कि एक आधा मैच कुछ है कि ले जाए इंग्लैंड, सो यू नेवर नो। सो बात कर लेते हैं देन अगेन T20 की, तो कल T20 में हो सकता है कि आप विराट कोहली को खेलता हुआ देखें, और है कि मुझे खैर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली होंगे, बट यार जिस तरह के आज ट्रेनिंग सेशन में वो बहुत ही ज़्यादा है कि नज़र आ रहे थे, बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे थे, तो हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट है कि अभी यंगस्टर्स को ही चांस देना चाह रही है, तो यह हो सकता है हो लास्ट ऑडे मतलब जो T20 है लास्ट वाला खिला दें, डोंट नो एग्जैक्टली। मुझे खैर पर्सनली यही लगता है कि अगर आप यंगस्टर्स को ही चांस दो तो ज़्यादा बेहतर है। जायसवाल, रिंकू, ये सालों को खैर चांस मिल रहा है, बट मजीद है कि इन्हीं को अगर ये खिलाया जाए तो बेहतर है, या एक आधा मैच, अब ज़ाहिर है कोहली को आपने के रिकॉल किया है T20 में तो एक आधा मैच तो होना चाहिए भाई, फैंस को भी तो थोड़ा सा एक है इंटरटेनमेंट मिले कि भाई कोहली की बैटिंग देखें वो स्पेशली T20 फॉर्मेट। सो खैर That was it from this video. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।